दोस्तों घटना है 1992 की, जब फिलीपींस में पेप्सी कोल्ड ड्रिंक के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे। पेप्सी के ट्रक्स को बम से उड़ाना शुरू कर दिया गया। पेप्सी की वजह से हर तरफ दंगे फैल गए और 5 लोगों की मौत हो गई। आखिर सन 1992 में ऐसा क्या कर दिया था पेप्सी ने जो उसके खिलाफ इतने बड़े बड़े दंगे होने लगे। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना होगा कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। सन 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक प्रतियोगिता चलाई और उस कॉन्टेस्ट का नाम था नंबर फीवर, मतलब नंबर का बुखार। उस कॉन्टेस्ट में होता यह था कि हर शाम को न्यूज चैनल पर एक नंबर टेलीकास्ट किया जाता था जो कि एक विनिंग नंबर होता था, और अगर किसी के पास उस विनिंग नंबर का बोतल कैप होता था तो वो बंदा 1 मिलियन पैसोस जीत जाता था। पैसोस यानी फिलीपींस की करेंसी। और 1992 में 1 मिलियन पैसोस एक एवरेज फिलीपींस बंदे के लिए बहुत अहमियत रखता था। वो इन 1 मिलियन पैसोस से अपनी जिंदगी बदल सकता था। इसी वजह से यह कॉन्टेस्ट वहां पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ। लोग अपने घरों में पेप्सी कैप्स को पागलों की तरह इकट्ठे करने लगे और इन कैप्स के पीछे तो बहुत मर्डर भी हुए। लोग तो कचरे से भी पेप्सी कैप्स को ढूंढना शुरू कर दिए थे इसी आशा में कि शायद उनकी लॉटरी लग जाए। पेप्सी के माने तो उस कंट्री की आधी पॉपुलेशन इस कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही थी, हमेशा करती थी। और इसी पॉपुलैरिटी के चलते पेप्सी ने इस कॉन्टेस्ट को 5 हफ्ते और बढ़ाने का फैसला लिया। लेकिन पेप्सी को ये अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था कि ये डिसीजन कितनी बड़ी बर्बादी का कारण बनने वाला था। Number fever update. Tomorrow's unit number is 687. Repeat. देखिए कॉन्टेस्ट के दौरान पेप्सी का उस कॉन्टेस्ट पर पूरा कंट्रोल होता था। कितने विनर्स होंगे और कौन सा नंबर विनिंग नंबर होगा, पेप्सी विनिंग नंबर के लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम पर रिलाय करता था। और यह कंप्यूटर प्रोग्राम सिर्फ 2 कैप्स पर ही विनिंग नंबर प्रिंट करता था, मतलब सिर्फ 2 विनर्स ही हो सकते थे, ताकि इससे पेप्सी अपना बजट कंट्रोल कर सके। पर जब उन्होंने इस कॉन्टेस्ट को 5 हफ्ते और एक्सटेंड किया तो जिस कंप्यूटर प्रोग्राम पर पेप्सी डिपेंड था उसमें एक ग्लिच आ गया, जिससे उसने काफी नंबर्स को मिसमैच कर दिया था। आखिर ऐसा क्या ही कर दिया था उस कंप्यूटर प्रोग्राम ने जिसकी वजह से इतने बड़े बड़े दंगे हो गए, उसके बारे में भी बात करेंगे। हम कंप्यूटर प्रोग्राम की बात कर ही रहे हैं तो मैं आज के हमारी ये स्पॉन्सर वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर को धन्यवाद करना चाहता हूँ फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। दोस्तों एज ए क्रिएटर हम कभी कभी वीडियो रिकॉर्डिंग में मिस्टेक कर देते हैं, या जो वीडियो फाइल्स हमारे पास होती है वो हमारा एडिटिंग सॉफ्टवेयर सपोर्ट नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल जिस वीडियो एडिटर में मैं काम करता हूँ वो MKV फाइल्स को सपोर्ट नहीं करता, जिसकी वजह से हमें पहले MOV या MP4 में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। और यूनिक कन्वर्टर इसी चीज को हमारे लिए आसान बना देता है। इसमें आप 1000+ वीडियो और ऑडियो फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही नहीं, GPU एक्सेलरेशन से आपका कन्वर्जन एकदम लॉसलेस और सुपर स्पीड से होता है। यही नहीं, वंडरशेयर के यूनिक कन्वर्टर में आप वीडियो कंप्रेशन भी कर सकते हो ताकि आप अपनी स्टोरेज स्पेस बचा सको। इसमें आपको स्क्रीन रिकॉर्डर भी मिलता है, एक लाइट वीडियो एडिटर भी मिलता है। यही नहीं, काफी AI टूल्स जैसे कि स्मार्ट ट्रिमर, सब टाइटल एडिटर, नॉइस रिमूवर, बैकग्राउंड रिमूवर, ये सारे AI टूल्स आपको इसके साथ फ्री में मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये सारे टूल्स एक यूट्यूबर की जिंदगी आसान बनाने के लिए काफी है, और मैं वंडरशेयर यूनिक कन्वर्टर को डेफिनेटली रेकमेंड करना चाहूंगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, गो एंड डाउनलोड दिस ऑसम सॉफ्टवेयर। तो टॉपिक पर वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे उस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की जिसके अंदर ग्लिच आ गया था और दंगे होना शुरू हो गए। वो दिनांक थी 25 मई 1992 शाम के 6 बजे, जब न्यूज चैनल ने नंबर अनाउंस किया, मतलब वो विनिंग नंबर जिससे कोई भी 1 मिलियन पैसों जीत सकता था, और वो नंबर था 349। अगर बात करें तो सिर्फ 2 ही विनर्स होने चाहिए थे, लेकिन उस शाम 1 नहीं 2 नहीं 10 भी नहीं 1000 भी नहीं लाखों लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर कोई 349 नंबर उठाए घूम रहा था। जो पेप्सी का कंप्यूटर प्रोग्राम था उसमें ग्लिच के चलते 349 नंबर को विनिंग नंबर के साथ साथ एक नॉन विनिंग नंबर भी असाइन कर दिया था। इसका मतलब अब बोटलिंग प्लांट जहां पर बोतल्स वगैरह बनती हैं वो इस नंबर को जितनी बार मर्जी प्रिंट कर सकते थे, क्योंकि कंप्यूटर ने तो इसे नॉन विनिंग नंबर भी असाइन कर दिया था। और इसी वजह से करीब 6 लाख 349 कैप्स फिलीपींस में सर्कुलेट हो गए। 349 इतना कॉमन कैप बन गया था कि कई लोगों के पास तो 3 से 4 कैप्स 349 के थे। उस रात सारे लोग जश्न मनाने लग गए थे, खुला खर्चा करने लग गए थे, क्योंकि अब वो अमीर होने वाले थे, उन्हें कोई टेंशन नहीं थी, कोई पैसे की चिंता नहीं। लोग हजारों की तादाद में पेप्सी की फैक्ट्री की ओर अपना पैसा लेने के लिए रवाना होने लगे, जिसकी वजह से फैक्ट्री को बंद करना पड़ा और पुलिस को भी बुलाना पड़ गया। और फिर सोई हुई कंपनी को पता ये चला कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो चुकी है। पेप्सी के एग्जीक्यूटिव्स को रात को ही मीटिंग बुलानी पड़ी ताकि वो इसका कोई समाधान निकाल सके। उन्होंने हिसाब लगाया कि वो अगर हर एक बंदे को पेमेंट करते हैं तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स देने
पढ़ सकते हैं, और इतना पैसा तो उनके पास था ही नहीं। तो उन्होंने एक चालाकी करने की कोशिश की। उन्होंने इस मुसीबत से पीछा छुड़वाने के लिए सारा ब्लेम कंप्यूटर पर डाल दिया और हर बंदे को 500 पैसों देने का ऑफर किया, जो कि उस समय 500 रुपए के बराबर थे। कुछ लोगों ने तो ये ऑफर मान लिया और ज्यादातर लोगों ने इस ऑफर को रिफ्यूज कर दिया और पेप्सी पर आग बबूला हो गए। उन्हें थोड़ी ना कंप्यूटर एरर से कोई लेना देना है। उनका कहना था कि पेप्सी एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, तो उन्हें उनका पूरा पैसा चाहिए। लेकिन पेप्सी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ा। फिर क्या होना था, रातों रात पूरा फिलीपींस दंगों से जल उठा, जिसकी वजह से करीब 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और हजारों लोग जख्मी हो गए। लोग पेप्सी की फैक्ट्री को जलाने लग गए और पेप्सी के ट्रक्स को बॉम्ब से उड़ाने लग गए। इसी तरह एक साल बीत जाता है और घटना के एक साल बाद लोग दंगों से दूर होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। करीब 800 विनर्स ने पेप्सी के खिलाफ लीगल एक्शन लिया और पेप्सी को कोर्ट में लाकर खड़ा कर दिया और 400 मिलियन डॉलर की डिमांड रखी। 1993 में एक और नया ट्विस्ट निकल कर सामने आया और वो ये था कि पेप्सी ने खुद ही अपने ट्रक्स को बॉम्ब से उड़वाया था ताकि वो 349 विनर्स को टेररिस्ट घोषित कर सके। बिल्कुल पॉलिटिक्स खेली है, हमारे यहाँ भी तो यही होता है। और पेप्सी ने भी वही किया ताकि उससे उन लोगों का केस कमजोर हो जाए। और पेप्सी ने ही कुछ लोगों को रिक्रूट किया था पैसे देकर लोगों को भटकाने के लिए, और कई लोगों ने तो ये भी खुलासा किया पेप्सी ने उन्हें पैसे दिए ताकि वो दंगों को और भड़का सके। पर एज यूजुअल पेप्सी के लॉयर्स ने इन सभी एलिगेशंस को डिनाय कर दिया। 1993 में कोर्ट ने पेप्सी के 9 एग्जीक्यूटिव्स के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया, जो कि 349 ग्रुप के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और उनकी आखिरी जीत भी। अनफॉर्चुनेटली किसी भी बंदे को एक दुक्की भी नहीं, एक भी पैसा नहीं मिला। और जितने भी बाकी के केसेस पेप्सी के अगेंस्ट थे उन्हें खारिज कर दिया गया और 2006 में फाइनली केस क्लोज कर दिया। और फैसला ये सुनाया गया कि पेप्सी के नंबर फीवर वाले कॉन्टेस्ट में कोई गलती जानबूझकर नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी पेप्सी को स्मॉल सा फाइन भरने को कहा गया, जो कि सिर्फ 1.5 लाख पैसों था। आज भी बहुत से फिलीपींस लोग जिन्होंने इस 349 ग्लिच को एक्सपीरियंस किया था वो आज भी सदमे में है। अगर आप उनके पास जाकर पेप्सी का नाम मेंशन भी कर दो, बोल भी दो ना, तो लफड़ पड़ेगा, वो भड़क उठते हैं। वो लोग दिल से पेप्सी को नफरत करते हैं। अब आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन सी कोल्ड ड्रिंक से नफरत है और किससे है प्यार। तो चलते हैं मेरे यार।